और देखिए उदयनिधि स्टालिन के बयान की बात करें तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर पलटवार किया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा स्टालिन का बयान पूरे तरीके से अज्ञानता वाला है। उदयनिधि स्टालिन अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकले, धर्मेंद्र प्रधान ने यह बयान दिया। हमने कुछ वक्त पहले ही तमिलनाडु में काशी संगम किया था, वहां के लोगों को जिस तरीके से प्रतिभागिता करते हमने देखा था, उसे ही साफ जाहिर होता है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान अज्ञानता वाला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन का बयान आया है, अभी भी वो अपने बयान पर अड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ गलत कहा ही नहीं है। देखिए, उनकी बयान भ्रमित है, उनकी अज्ञानता का ही बड़ा स्टेटमेंट है। जिस राज्य से आते हैं, तमिलनाडु का काशी में जितना संपर्क है, मैं तो एक ही जगह का नाम ले रहा हूँ, काशी। पिछले साल हम लोगों ने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। शायद तमिलनाडु की कोई गांव नहीं रहेगा जिनकी संपर्क काशी के साथ ना हो, भगवान शिव जी के साथ ना हो, देवी के साथ ना हो। तमिल नामों को देखिए, उदयनिधि नाम को देखिए, ये सारे प्रमाणित करता है कितना डीप रूटेड कनेक्शन है। किसी की अज्ञानता को हम क्या कह पाएंगे? जब राजनीति आ जाती है, जब विभेद आ जाती है, जब सेक्टेरियन फिलोसफी आ जाती है, तब कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो इंडी अलायंस है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, हालांकि अभी एक प्रियंका चतुर्वेदी ने जरूर कहा है कि ऐसी अज्ञानता ही है इस तरीके के बयान, तो उन्हीं की अज्ञानता को हम क्या कहेंगे? अगर वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, उन्होंने भारत की अस्मिता के ऊपर, भारतीयता के ऊपर एक उन्होंने प्रश्न उठाया, तमिलनाडु के ऊपर प्रश्न उठाया, महाराष्ट्र के ऊपर प्रश्न उठाया, ये तो मदारी लोग हैं। तो उदयनिधि के बयान पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केसी वेणुगोपाल का बयान भी सामने आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। केसी वेणुगोपाल जो कह रहे हैं कि सभी दलों को अपनी बात कहने का हक है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।